फरमाया एक साल के बाद मैंने उन्हें फारूक को देखा, रज़ियल्लाहु ताला जैसे पसीना पूछ रहे, पसीनो पूरे जिस्म पसीने से इशारा बू रहे। मैंने सवाल किया कि क्या वजह है, ये पसीना देख रहा हूं इतना शराबूर है पसीने से आप। उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया अब ये खबरें अल्लाह पाक वहां की इन बंदों के जरिए यहां पहुंचाता है। फरमाया कि आज एक साल के बाद मेरे हिसाब किताब से मेरी छुट्टी हुई है। एक साल के बाद आज हिसाब किताब से मेरी छुट्टी क्यों, इस बात का हिसाब, बिकॉज ही वॉज अ रूलर, ही वॉज अ हाकिम, ही वॉज अ खलीफा। और किस बात का, जहां जहां तक उनकी सल्तनत थी, जहां जहां तक उनकी हुकूमत थी, जहां जहां तक उनका इख्तदार था, हाकिमीन से सवाल होता है कि तुम्हारे दौरे इख्तदार के अंदर, तुम्हारी सल्तनत के अंदर क्या कोई अपने हक से महरूम तो नहीं रहा। आम शख्स हो तो ठीक है, मर्रब को मार नहीं होगा, लेकिन जब मामला हाकिम का हो, हुक्मरान का हो, उसे पूछा जाता है। और इसलिए फरमाया करते थे कौन है फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जब इंसान हाकिम हो जाता है, बादशाह हो जाता है, लीडर बन जाता है, एक मुल्क उसको मिल जाता है, एक इलाका हो जाता है, उसके कब्जे में आ जाता है, तो फिर एक एक चीज को उससे सवाल होता है। इसे हमने तुम्हारी रईयत पे दिया था, तुम्हारा फर्ज था इसे ये दुख न पहुंचने देती, ये इतना सा भूखा था, तुम्हारा फर्ज था इसकी भूख से तुम आबाद रहते, इसके मसलों से आबाद रहते, इसकी परेशानी से आबाद रहते। और जितना इलाका, ये बात याद रखिए, बड़ी हम बात तारीख उठाकर देखें, आप अलेक्जेंडर का नाम सुनते हैं, सिकंदर आजम, अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर आजम, उसको सिकंदर आजम बड़ा सिकंदर कहा जाता है। तारीख उठा के देखें दुनिया के अंदर जितना इलाका उसने फतह किया, वो कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा फातह, जितनी जमीन पर उसने टेक ओवर किया है और जितने इलाकों पर वो टेक ओवर हुआ है और उसने इख्तदार हासिल किया है, वो लाखों मुरब्बा मील के हिसाब से। और तारीख इस बात की गवाह है कि वो शख्स जिसे सिकंदर आजम कहा जाता है, उसने इस दुनिया को और दुनिया के इलाकों को इतना फतह नहीं किया जितनी फतूहात उन्हें फारूक ने किया। उम्र फारूक की फतूहात ज्यादा कदे निगाह कर इस दुनिया में इस्लाम का परचम, इस्लाम और ये उम्र फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक साल के बाद चूंकि हुक्मरान थे, पूछा गया, सवाल किया गया, ये फरमाया करते हैं दजला दजला के किनारे अगर एक बकरी भूखी मर गई, उम्र से पूछा जाए, उम्र से सवाल होगा, हमारे सवाल तुम लोगों से मुख्तलिफ होते हैं, तुमसे तीन होंगे मर रखो बाकी बात उनका ना बोलो, हम हाकिम हैं, हमसे ये भी पूछा जाएगा कि तेरे दौर के अंदर दजला के किनारे एक कुत्ते का बच्चा, एक कुत्ता आ गया, एक बकरी या बकरी का बच्चा, वो भूख से क्यों मरा है, प्यास से क्यों मरा है। ये उम्रे फारूक रज़ियल्लाहु ताला इतना अजीम मर्तबा, इतना अजीम मकाम, मगर जब हाकिम बने तो फिर सवाल। अब जरा गौर करें हम अपने हुक्मरानों, उम्र फारूक एक साल के बाद अगर सवाल और जवाब से जान छूट रही है, एक साल के बाद, और दिखाई देते हम पसीने से शराबूर हैं, अपने हाकिमों को देखा अर्ज़े पाकिस्तान को क्या नहीं हो रहा, भूख के हाथों, गुरबत के हाथों इंसान लुट रहा है, दबा हो परेशान है, नफाक है, औलादें बिक रही है, इज्जतें बिक रही है, हर चीज महंगाई का इफ़रीत है और लोग गुरबत से तंग आकर खुदकुशियां कर रहे हैं, आग लगा रहे हैं, बच्चों को मार रहे हैं। हुक्मरानों उम्र फारूक से अगर सवाल हो सकता है तो क्या तुम इतने भी आगे हो कि तुमसे न पूछा जाए, उम्र फारूक से लापता हो तो सारी रात सोते थे, गलियों 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 घूमते कष्ट करते थे, उमर तुझे सेब नहीं देता कि तू रात की मीठी नींद सो जा रहे,
तेरे दौरे हुकूमत में कोई गरीब भूख से भिड़क रहा हो, कोई तड़प रहा हो, और इधर मुफलसी जनाजे भूखने दाने बिछा देंगे, दजला तड़प रहा है किनारा अब्बास। उम्र फारूक रज़ी अल्लाह तआला जिसके दिए हुए सिस्टम से आज पूरा यूरोप फैसला हो रहा लिखने के मकाम पर कि जी जो हम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ रहे थे, हम कार्य में यूनिवर्सिटी में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, वो कह रहे हैं कि हम आठ दस नौजवान मुसलमान नौजवान हमने उस प्रोफेसर से टाइम लिया कि जिस प्रोफेसर ने यूके का इंग्लैंड का सोशल सिस्टम बनाया, जो आपको घर बैठे आपका हक मिलता, अगर आप बेरोजगार हैं आपको बेरोजगारी अनाउंस मिलता, अगर आपकी बच्चे आपने मुझसे एक सवाल नहीं, हमने पूछा क्या सवाल, उस प्रोफेसर ने कहा कि आपने मुझसे ये नहीं पूछा कि मैंने ये सोशल सिस्टम, ये फलाफी निजाम, ये वेलफेयर सिस्टम मैंने दिया कहां से, तो पूछा कहां से दिया? उस प्रोफेसर ने कहा कि ये जो फलाफी निजाम है जो समाज देता है इस बात की कि किसी घर के अंदर कोई भूख से नहीं मिलेगा, कोई हुकूमत से मालूम नहीं रहेगा, इंसाफ से मालूम नहीं रहेगा, यह सारे का सारा सिस्टम मैंने आपके उम्र फारूक से दिया, फारूक से दिया है। और उस उम्र फारूक आलम ये है कि साल तक सवाल जवाब क्यों बाकी थे, और हां वीआईपी कल्चर के मारे हुए रौनक था, ताज्जुब सदा करता, हुक्मरान ने शहर में से गुजरना हो पूरा शहर की अल्लाह की सारी मखलूक परेशान करी होती, पूरा शहर बवा क्यों साहिब गुजर रहे शहजादा आलम का गुजर हो रहा। बातें तकरीरें लच्छेदार मंशूर हैं, ये मामला ये जो तुम घूटरों की आवाज से सुन के अपने नशे पूरे करते हो ना, ये बहुत महंगे पड़ेंगे उस वक्त जब अल्लाह के हुजूर खड़ा हो, अल्लाह के हुजूर खड़ा होना है, जवाब देना है एक एक चीज का, फलां 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 खड़ा हो तेरे दौर के अंदर कितने जनाजे उठे हैं, बोझ से कितनी इज्जतें उठी, ये इजाला ने शब गुजीदा सहर, वही इंतजार था जिसका ये हो सहर तो नहीं, गैर मुल्की अवाम से गैर मुल्कों से इतने लेकर बड़ा फखर करते हो, पूरी कौम को गिरी बना कर रख दिया गया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें वो हुक्मरान अता है जो हमारे फारूक के नशे कदम जैसे खाली के कायनात हमारी इस मुजमा और परेशान हाल कौम के दुखों का इजाला फरमाए, और इसको कयामत नसीब फरमाए, और अल्लाह इस सर जमीन की हिफाजत फरमाए, और इसको दुश्मनों के हर शर से अल्लाह पाक महफूज फरमाए, और वो सिस्टम और वो निजाम जो ताजदर कायनात ने अदा किया हम अपनी आंखों से अपनी जिंदगी वो निजाम देख सके, अल्लाह पाक हमें अगली जिंदगी सवार मिली तो अता फरमाए, वो जिंदगी जो हमेशा की है यासी है फानी है चंद रोजा है, और चंद रोजा जिंदगी की बेहतरी इसी के अंदर ये बेहतरी सोच हमेशा की जिंदगी बेहतरीन जमानत है, अल्लाह का शुक्रिया।